हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु पाकिस्तान। और मैं आपका होस्ट वसीम अहमद। आज हमारा ब्लेंडर बिगनिंग सीरीज का ऑलमोस्ट पहला पार्ट है। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था जिसमें मैंने ब्लेंडर की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे कि व्यू बोर्ड में रोटेट करना, चीज़ों को छोटा बड़ा करना। तो अगर आपको बिल्कुल इतना भी नहीं आता तो आपको वो वीडियो जाके देखनी चाहिए, इधर इधर आना चाहिए। ओके, तो मैंने उस पहली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट से कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे, और मुझे खुद नहीं आइडिया हो रहा था कि मैं क्या बनाना बताऊँ, कि जो सिंपल भी हो, बिगनर्स के लिए आसान हो उसे बनाना, और बिगनर्स को मज़ा भी आए बनाने में। तो मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पर, 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वहाँ पर कमेंट किया और वहाँ पर लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि कोई वेपन बनाना सिखाए। तो फिर अब वेपन सारी इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये शॉर्ट गन फोर्टनाइट में से एक ढूँढी, जो कि काफ़ी सिंपल है शेप में और बिगनर्स को सिखाने के लिए परफेक्ट है। तो हम पूरी सीरीज़ में ये फोर्टनाइट की शॉर्ट गन बनाएंगे। इसमें हम इसको पहले तो मॉडलिंग करेंगे, फिर इसकी टेक्सचरिंग करेंगे, फिर इसकी रेंडरिंग करेंगे। और आई विल रियली सजेस्ट यू कि आप लोग भी 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करें, ताकि जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन है 3D से वो आप वहाँ पूछें। वहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, और भी बहुत सारे 3D एक्सपर्ट्स हैं, 3D आर्टिस्ट हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये खुला हुआ है ब्लेंडर, और इसके बेसिक ये जो नेविगेशन की चीज़ें हैं, रोटेशन की और स्केलिंग के, मैंने पिछले पार्ट में बताए थे। तो आज एक चीज़ मैं करता हूँ कि अब मैं जो भी की दबाऊँगा यहाँ पर नज़र आती रहेगी। फेट में ज़रा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को। ओके, तो मैं जो भी की दबाऊँगा यहाँ पर शो होती रहेगी। मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो जो भी की दबाऊँगा यहाँ पर शो होती रहेगी, ताकि अगर मैं कुछ बोलना भूल जाऊँ, मतलब मैं कोई शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताना भूल जाऊँ, तो आप यहाँ पर चेक कर लें कि मैं लास्ट टाइम क्या दबाया था। ठीक है, मैं मिडिल माउस बटन दबा रहा हूँ, और जितनी दफ़ा दबा रहा हूँ उतने आगे वो X9 आगे, मतलब 10, 11, 13, 14 इस तरह। ओके, हाँ, तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले, मैंने यहाँ पर फोर्टनाइट की गन की कुछ तस्वीरें ले रखी हैं। इस तस्वीर को हम पीछे लगाएंगे और उसके सामने मॉडलिंग करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। रॉन्ग फोल्डर लिख। ओके, तो पिक्चर कोई भी इसमें डालने के लिए, ब्लेंडर में डालने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ देना है। ट्रैक बार मोशन बार फलाना फलाना फलाना। ओके, पता नहीं पहले क्यों नहीं हुई थी, पटाप हो गई है। तो अब मैं इसको एक चीज़ करते हैं कि थोड़ी सी रोटेट हुई है, देख रहे हो, तो इसको प्रॉपर इंपोर्ट करने का तरीका, जिससे ये इस तरह रोटेट भी ना हुई हो, बिल्कुल सिंपल फ्लैट आए। तो मैं दबाता हूँ वन। वन से क्या आता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको दो एक्सेस नज़र आती हैं, जो है जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। आपको तीसरी जो वाई एक्सेस है ना, वो नहीं नज़र आ रही। जबकि मैं मिडल माउस बटन दबाऊँ ना, तो ये देखो, अब मेरे को वाई नज़र आ रही है, एक्स नज़र आ रही है, और जेड भी डेफिनेटली यहाँ पर है। अगर आपको जेड भी देखनी है तो ये जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब मैं वन दबाता हूँ तो सिर्फ दो नज़र आ रही हैं। इसी तरह ये जो है फ्रंट व्यू है, इसमें क्या हो रहा है, एक्स और जेड एक्सिस नज़र आ रही हैं। अगर मैं थ्री दबाऊँ तो यहाँ पर आगे राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब इसमें क्या हो रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस नज़र आ रही है। इसी तरह एक है सेवन, उससे क्या होता है, टॉप का व्यू आ रहा है। इसमें अब जेड एक्सिस नज़र आ रहा, बाकी दोनों आ रही हैं, वन से फ्रंट, थ्री से राइट और सेवन से टॉप। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल बंद दबाता हूँ, एक्चुअली मैंने गौर किया कि यहाँ पर की शो होना बंद हो गई, आई थिंक ये एड ऑन ने कोई मसला कर दिया। ओके, वापसी आ गई, ठीक है। तो कंट्रोल बंद दबाता हूँ तो अब आ रहा है बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर मैं यहाँ पर एक कोई चीज़ ऐड कर दूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, हाँ, तो ये था फ्रंट। अब मैं कंट्रोल बंद दबाता हूँ तो अब ये है बैक। अब मैं सेवन दबाता हूँ तो यह है टॉप, और अगर मैं कंट्रोल सेवन दबाता हूँ तो यह है बॉटम। मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कैमरा मेरा कहाँ था, यहाँ नीचे था, और मैं यहाँ से वापसी ऊपर आ गया, ठीक है। इसी तरह थ्री है राइट व्यू के लिए, और कंट्रोल थ्री है लेफ्ट व्यू के लिए। तो समझ गए हो, फ्रंट बैक, मतलब जब फ्रंट होगा तो समझें आपका व्यू यहाँ से नज़र आ रहा होगा, जब बैक होगा तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, इधर खड़े होंगे आप। और ये जो है राइट के लिए, एक्चुअली फ्रंट के लिए ये, और बैक के लिए यहाँ, राइट के लिए यहाँ, और लेफ्ट के लिए यहाँ,
और इस तरह टॉप के लिए इधर होगा कैमरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और जो है बॉटम के लिए इधर होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा लगाता हूँ वन, और इसमें क्या है जो तीसरा एक्सेस नज़र नहीं आ रहा, वाई एक्सेस। और अब मैं इधर इंपोर्ट करता हूँ पिक्चर। ओके, मैं समझ गया कि वो इशू क्या है, जो है स्क्रीन कास्ट कीज़ वो जो है मेरी पिक्चर को इंपोर्ट होने में मसला करती है और साथ में खुद ऑफ हो जाती है। ओके, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, क्योंकि जो भी मैं चीज़ बनाऊँगा ना वो इधर बनेगी, जहाँ पर भी ये एरो होगा ना जो आपको दिख रहा है, ये जहाँ पर भी होगा ना नई चीज़ वहीं पर ही क्रिएट होगी। तो इसको वापसी यहाँ ले आते हैं, शिफ्ट एस दबाता हूँ मैं, तो ये आ रहे हैं ऑप्शंस कुछ, और इसमें सारे ऑप्शंस इस कर्सर के बारे में, सिलेक्शन टू कर्सर, सिलेक्शन टू एक्टिव, सिलेक्शन टू ग्रेट, कर्सर टू एक्टिव, कर्सर। तो मैं कर्सर टू वर्ल्ड ऑरिजिन कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ना इसको कहते हैं पाई मेन्यू। आप इसके ऊपर ला के जब छोड़ देते हैं ना, मतलब कि शिफ्ट एस मैंने अब दबा के रखा हुआ है, और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ना तो मतलब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा शिफ्ट एस में जाता हूँ, करता हूँ कर्सर टू एक्टिव। मैं इस पर माउस लाया, मैंने क्लिक नहीं किया, माउस लाया और शिफ्ट एस को छोड़ दिया, तो वो उधर चला गया, उसके ऊपर ये कर्सर चला गया। तो मैं वापसी शिफ्ट एस दबाता हूँ, इसके ऊपर माउस लाता हूँ और शिफ्ट एस को छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। अब मैं जब दबाता हूँ वन, और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको मूवमेंट का पता है, जी है ना शॉर्टकट की, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है। ठीक है, तो हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, पहले इसका ये वाला हिस्सा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, चाहे सेंटर में ले लें, चाहे यहाँ से स्टार्ट ले लें। तो लेट्स, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ। ओके, शिफ्ट ए दबाओगे ना तो एक मेन्यू खुलाएगा जिसमें ना ढेर सारी चीज़ें, पर फिलहाल हमें क्या देखना है, मैश। हम इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ इसी मेन्यू का यूज़ करेंगे, मैश वाले मेन्यू का, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। उसके अलावा यही चीज़ करने का आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, आप ऐड दबाओ तो यहाँ पर मैश आ रहा है और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ, ठीक है, इसके यहाँ से मैं टूल्स निकाल लेता हूँ, मूवमेंट के एरोज, सॉरी टूल्स नहीं। ओके, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, और क्या करते हैं कि इसको अब मुझे स्केल करना है। अब मैं इधर से स्केल कर सकता हूँ, वैसे मैं किससे कर रहा हूँ स्केल, मतलब एस से इसको इतना छोटा कर देता हूँ जितना इसका ये मुंह है। इसको रोटेट करते हैं, और रोटेट की क्या बताई थी मैंने, को आर रोटेट किया, और जी से इसको मूव करके उधर रख दिया जहाँ पे मुझे चाहिए। ओके, शायद थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, बस बड़ा करता हूँ वापसी। और अब क्या है, मैं अगर इसको पूरे को रोटेट नहीं करना, मुझे सिर्फ इसका अगला हिस्सा यहाँ से यूँ रोटेट करना है। तो अब हम जाएंगे एडिट मोड में, और एडिट मोड वो जगह है जहाँ पर हम प्रॉपर मॉडलिंग करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, इधर हुआ पर ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ से मैं करता हूँ एडिट मोड। और अब आपको मैश पर ये जो है ना सिलेंडर पर एक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक नहीं ढेर सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं दो डॉट्स पकड़ूँ तो ये जो पूरी लाइन है ना ये ऑरेंज हो गई है, इसे क्या कहते हैं एज। हम इस पूरी लाइन को लाइन नहीं कहते 3D में, इसको कहते हैं एज। जब मैं बोला ना हमने एक एज सेलेक्ट कर ली, तो मतलब हमने ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली एक। उसके अलावा अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो ये देखो ये पूरा जो है ना ये भी ऑरेंज हो गया ये एरिया, तो इसे कहते हैं फेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पकडूं, ये वर्टेक्स, इसे कहते हैं वर्टिसेस। तो मैंने ये वर्टेक्स पकड़ा, ये वर्टेक्स पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, तो अब ये जगह ऑरेंज हो गई, इसे कहते हैं फेस। ये है एजेस, और हम 3D में जो भी चीज़ बनाते हैं ना वो वर्टिसेस, एजेस और फेसेस से मिलके बनती है, और इन तीनों को कंबाइन हम कहते हैं मैश। तो अगर मैं किसी भी सब फॉर एग्जाम्पल ये गन है, मैं इसको भी मैश कह रहा हूँ, मैं किसी कार को भी मैश कह रहा हूँ, क्योंकि वो सब किससे बनी होगी, इन वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को मिला के, और जो भी चीज़ इन 3D में इन चीज़ों से मिलके बनी हो उसे हम कहते हैं मैश। ओके, अंडरस्टूड। और इनका नाम मैंने आपको बताया वर्टेक्स, एज और फेस। और यहाँ पर सिलेक्शन मोड है, फिलहाल वर्टेक्स पे है। अगर मैं एज पे जाऊँ तो अब मैं इस एजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यूँ करके मैं अगर दो वर्टेक्स को पकड़ूँ तो भी एज सेलेक्ट हो जाती है, पर ये छोटा तरीका है कि आप डायरेक्ट एज पे ही क्लिक कर लो। उसी तरह ये है फेस सिलेक्शन मोड, इसमें आप डायरेक्ट पूरे फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करके वापसी वर्टेक्स मोड में जाऊँ तो देखो ये चारों वर्टेक्स भी सिलेक्ट हुए हैं, ये एज, ये एज, ये एज और ये एज भी सिलेक्ट हुई हुई है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पर
जाता हूँ फेस मोड पे और इसको सिलेक्ट करता हूँ और वापसी वन दबाता हूँ, अपने इस व्यू में आ जाता हूँ। और अब इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट किससे करते हैं, आर से, और इसको जी दबा कर थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ओके, और अब जो ये वाला फेस है इसको पकड़ते हैं और वापसी फ्रंट व्यू में आके इसको फुल पीछे ले जाते हैं। आपको मैंने एक ही जो है एक्सेस पे मूव करने का तरीका बताया था कि फॉर एग्जांपल आपने जी दबाया तो उसके बाद आप एक्स दबाओ तो वो बिल्कुल एक ही एक्सेस पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब एक चीज़, अब मुझे पीछे से गन की वो जो है बैरल नहीं नज़र आ रही, तो मैं यहाँ से जाता हूँ वायर फ्रेम मोड में। अब यहाँ पर भी आपको चार मोड नज़र आ रहे हैं, एक वायर फ्रेम सॉलिड मटेरियल और रेंडर्ड। मटेरियल और रेंडर्ड हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप फिर काम, जब तक आप मॉडलिंग करते हो तो आपका काम सॉलिड मोड से होता है और वायर फ्रेम से होता है। और इनका भी मेन्यू खोलने का शॉर्टकट तरीका, आप जेड को प्रेस करके रखो तो ये सॉलिड मटेरियल, वायर फ्रेम और रेंडर्ड, ये दो भी हम बाद में देखेंगे। ये कोई मोड नहीं है, ये बस एक शॉर्टकट से लोगों ने यहाँ पर डाले हुए। तो मैं यहाँ वायर फ्रेम पर ला के जेड को छोड़ देता हूँ। तो अब मुझे क्या हो रहा है, ये जो एजेस फेसेस वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, मतलब ये लाइनें जो एजेस नज़र आ रही हैं और साथ में पीछे वाली पिक्चर भी नज़र आ रही है जो पहले कवर हो गई थी। तो मैं वापसी ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको नीचे लेकर आता हूँ और छोटा करता हूँ एस से। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये वो शेप बन रही है जो कि इस बैरल की है। आई थिंक सही शेप बन गई है, हाँ इट्स ओके। अब ये वाला बैरल बना लेते हैं, ये तो और भी सिंपल है। अच्छा एक और चीज़, जब आप कोई गेम का एसेट बना रहे होते हैं, क्योंकि ये गेम का एसेट है और हम इसको इसी तरह डिज़ाइन करेंगे कि जैसे ये एक गेम का ही एसेट है। तो अब ये देखो यहाँ पर अगर मैं आपको गिनवाऊँ एक चीज़, हाँ कहाँ गई, वेयर इज़ दैट ऑप्शन, इसके एडिट मोड में जाते हैं। मुझे वो मिल नहीं रहा, मे बी यहाँ मॉडलिंग में हो, नहीं तो एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा था कि जो ये एजेस हैं, ये मैश है, मैं वापस सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट कर दूँ, डिलीट मैं कैसे करूँगा अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इधर एस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ और इसको चेंज करने का भी एक शॉर्टकट तरीका है, वन से आएगा वर्टेक्स मोड, टू से आएगा एज मोड और थ्री से आएगा फेस मोड। तो मैं वर्टेक्स मोड में जाता हूँ और इस तरह से एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक छोड़ के अगली, ठीक है, एक सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक छोड़ रहा हूँ, एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए था कि जब मैं ये सिलेंडर बना रहा था तो इसको उसी टाइम मैश को कम कर लेना चाहिए था। मैश को कम करने वाला मैं ये एजेस अब डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं एक्स दबा के रखता हूँ तो दोबारा एक पाई मेन्यू आ गया, ब्लेंडर 2.8 में फिर कम पाई मेन्यू थे, 2.9 में तो हर जगह ही पाई मेन्यूज है। तो यहाँ पर करता हूँ डिसॉल्व एजेस, क्योंकि मैंने एजेस सेलेक्ट की हुई है, डिसॉल्व एजेस किया तो वो एजेस गायब हो गई। अगर यही मैं यहाँ पर डिलीट एजेस कर देता तो यहाँ से मैश ही कट हो जाता, होल बन जाता। मैं कंट्रोल जेड दबा के वापसी आ गया, तो अब मेरे ख्याल से ये बेटर है, अब ये मैश कम हो गया। इवन मैं मोर और भी कम कर सकता हूँ यूँ ही दोबारा सेलेक्ट करके जैसे मैंने किया, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में कर लेंगे। अब मैं जब इधर का नया सिलेंडर बनाता हूँ ना तो इसको शुरू में ही मैं मैश को कम कर लूँगा। मैं शिफ्ट ए दबा के एक और सिलेंडर ऐड करता हूँ इस वाली शेप के लिए। और इसके यहाँ पर देखो ये जो एक मेन्यू आ रहा है ऐड सिलेंडर, यहाँ पर आ रहे हैं वर्टिसेस 32 तो इसके मैंने आधे कम कर दिए थे, मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक, तो ये क्या हो गया होगा 16 हो गया होगा। पर क्योंकि ये साइज़ में बड़ा है और ये साइज़ में छोटा है, तो जो छोटी चीज़ है ना उसका मैश हम मज़ीद कम रखेंगे। तो मैं इसका रख देता हूँ 12 रख देता हूँ, क्योंकि ये इससे छोटा है। इसी तरह जब ये होगा ना तो ये मैं सिलेंडर ऐड करूँगा ही नहीं, सिर्फ क्यूब ऐड करूँगा और उसको लंबा कर दूँगा, ठीक है। जो चीज़ जितनी छोटी होगी ना, अब मैं फ़िलहाल आपको 3D के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, सॉरी गेम डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि गेम डिज़ाइनिंग में जो चीज़ का जितना साइज़ छोटा होगा उतना मैश कम रखेंगे। वहीं अगर आप किसी बड़ी एनिमेशन के लिए डिस्नी टाइप की जब कुछ डिज़ाइन करते हो तो फिर आप मैश डालते हो, जितना डाल सकते हो डालते हो, पर गेम्स के लिए हम मैश कम रखते हैं।
तो मैं वापस इसको उधर लेकर आता हूँ, छोटा करता हूँ और दोबारा रोटेट करता हूँ, ठीक है। और अब दोबारा इसके एडिट मोड में जाते हैं ताकि हम इसके शेप को सेट कर लें। तो 3 से फेस मोड में आया, वापसी 1 पे गया और जी एक्स थोड़ा सा रोटेट किया, सेम इसको पकड़ा, 1 पे आया और पीछे की तरफ ले गया, ठीक है। अभी हमें पता है कि हमें ये पीस भी ऐड करना है, तो ये हम करेंगे, फिकर नॉट, बल्कि अभी यही पीस ऐड करते हैं, शिफ्ट ए। और अब मैं क्या ऐड करूँगा, क्यूब। मैंने यहाँ पे क्यूब ऐड किया और मैं इसको वहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैं क्यूब के यहाँ पर आपसे वो पूछ भी नहीं रहा कि कितने वर्टिसेस रखने हैं, क्योंकि क्यूब के हमेशा 4 ही वर्टिसेस होते हैं, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो उसको स्केल करते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी शेप कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि हम एडिट मोड में जाते हैं और इसका ये फेस पकड़ते हैं और इसको मैं यहाँ आगे कर भी लेता हूँ तो भी ये शेप सही से फॉलो नहीं हो रही। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसके अब एज सिलेक्शन मोड में जाता हूँ और इस एज को पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पर कर देता हूँ। इसी तरह मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ ताकि मुझे शेप सही से नज़र आए। ओके, तो मैं दोबारा ये फेस पकड़ कर, अच्छा 3 से फेस मोड में मैं आ जाता हूँ जल्दी से, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ। मैं 1 से वर्टेक्स में मोड में आ जाता हूँ, 2 में एज मोड में आ जाता हूँ, 3 से फेस मोड में आ जाता हूँ। पर मैं साथ साथ बता रहा हूँ मैं किस मोड में जा रहा हूँ, तो अगर मैं फेस मोड का बोलूँ तो फिर आप 3 खुद प्रेस कर दें और दूसरी बार यहाँ पर भी लिखा आ जाता है जो भी मैं प्रेस कर रहा होता हूँ। ओके, अब इससे आगे की शेप हम कैसे क्रिएट करेंगे, ई दबाओ, और ई दबाओगे तो देखो ये लाइंस आगे आगे आ रही हैं। अब देखो तो यहाँ पर ये एक लाइन जो पहले वाली थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, अभी इसमें से एक नया मैश निकला है। नया मैश निकलने का मतलब क्या, मैं इसको डिलीट करता हूँ या फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ये मैश यहाँ पर है, ये हमने क्यूब ऐड किया था। हम ई दबाते हैं तो इसी के अंदर से जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं ये हिस्सा सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर से और मैश निकलेगा। फिलहाल मैंने ये हिस्सा सेलेक्ट किया तो इसके अंदर से और मैश निकल रहा है, ठीक है। और क्यों, जब आप ई दबाते हो तो ये आप माउस अब मूव कर रहे हो, मैंने ई दबा के रखा, सिर्फ एक दफ़ा दबाया और छोड़ दिया। अब आप माउस मूव कर रहे हो तो ये सिर्फ फ्रंट की साइड पे जा रहा है, मैंने जैसे ही निकला था। अगर एक दफ़ा मैं जेड दबा दूँ और एक दफ़ा फिर से जेड दबा दूँ तो अब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। तो मुझे इसे एक्स एक्सेस पे मूव करना है। एक दफ़ा मैंने एक्स दबाया तो पता नहीं वो इधर क्यों लेके जा रहा था, पर तो मैंने सेकंड टाइम एक्स दबाया तो वो सही लेके जा रहा है। ओके, तो फिलहाल मुझे एक्सेस पे मूव करना है, तो मैंने 2 दफ़ा एक्स दबाया तो वो एक्सेस पे मूव कर रहा है। तो अभी मैं लेफ्ट क्लिक दबाता हूँ तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसी इसी की जगह अगर मैं एक्सट्रूड कर रहा होता और मैंने गलती से कर दिया होता तो मैं राइट क्लिक दबाता तो वो कैंसिल हो जाता, एक्सट्रूड ही कैंसिल हो जाता। अब वापसी हम वर्ल्ड फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में व्यू में आके मॉडलिंग करते हैं। मैं ज़रा देख लूँ कि लेक्चर कितना लंबा हो गया। ओके, 18 मिनट का हो गया, हम इसको 20 मिनट का करके छोड़ देंगे और बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक्सट्रूड यहाँ पर, अब जो अगला एक्सट्रूड है वो मैंने ऐसे करना है कि ये जो है ना इस तरह एक्सट्रूड ना हो, क्योंकि इस तरह एक्सट्रूड करूँगा तो ये जो है कि मैं इस तरह कर भी दूँ तो यूँ एक स्लोप बन रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कट हुआ हुआ मैश, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल आर दबाता हूँ। अब कंट्रोल आर से देखना क्या होएगा, एक पूरा एज लूप आ गया, मतलब एज एक मिनट, लूप क्या होता है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो लूप वो चीज़ होती है कि जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से एंड हो रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, इस लाइन को अगर मैं फॉलो करूँ तो ये यहाँ से जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है और वापसी वहीं एंड हो रही है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इसी तरह इस लाइन को देखो तो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, इस तरह जा रही है, इस तरह जा रही है और फिर वहीं आगे फिनिश हो रही है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इवन अगर मैं इसको यहाँ से इस साइड ना लेके जाऊँ, इसको इस साइड लेके जाऊँ और फिर भी स्ट्रेट चलता रहूँ तो फिर भी जहाँ से शुरू हो रही वहाँ पर ख़त्म हो रही, तो ये होता है लूप। तो इसी तरह कंट्रोल आर दबाता हूँ तो ये जो लाइन है ये भी इसी तरह क्रिएट हो रही है कि अगर मैं इसका एक कोने से स्टार्ट करूँ तो ये दूसरे कोने पर ख़त्म होगी, मतलब वहीं पर ख़त्म होगी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, समझ गए। तो मैंने इसको किस तरह ऐड किया, मैंने दबाया कंट्रोल आर। अब मैंने इसको जब कंट्रोल आर दबाया तो ये येलो कलर में लाइन आ रही है और मैं इसको यूं करता हूँ तो ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो क्या हो रहा है अलग अलग जगह एज लूप ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड हो नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक दबाता हूँ, अब मैं इसको ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। अभी मैंने कोई भी की दबा के नहीं रखी हुई, जस्ट माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो वो ऊपर नीचे हो रहा है।
तो मैं अंदाजे इसको यहाँ पर ला के दोबारा लेफ़्ट क्लिक दबा देता हूँ। अब मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में जाता हूँ, तो अगर ये थोड़े से मिसमैच हो रही है तो जैसे हम जी से चीज़ों को मूव करते हैं सिंपली ऐसे इसको जी से मूव करेंगे और जेड दबाएंगे ताकि वो सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव हो। ठीक हो गया। अब हम जब फेस मोड पे जाएंगे तो हम सिर्फ ये हिस्सा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस एज ने इस हिस्से को और इस हिस्से को सेपरेट कर दिया। तो मेरे को ये हिस्सा चाहिए था, ऊपर वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ और जेड एक्सिस पे स्केल भी कर लेता हूँ। वायर फ्रेम मोड में जाते हैं ताकि हम सही से देख सकें हम कर क्या रहे हैं, और हल्का सा रोटेट। ठीक है, ये शेप बन गई। अब वीडियो 20 मिनट की होगी क्योंकि बिगिनर सीरीज से मैंने एक एक चीज़ को कोशिश किया एक्सप्लेन करूँ, रिपीट करता रहूँ, तो इतने में वीडियो 20 मिनट की हो गई। तो हम बाकी का पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।